हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरण, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज का वीडियो मैं बोलूंगा एक सैड न्यूज ही है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको पता है, पहले तो कोविड, उसके बाद मंकी पॉक्स, इसके बाद एक फिर से चाइना से न्यूज आ रहा है, एक खतरनाक वायरस स्प्रेड हो रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। एंड इसके बारे में क्या क्या है वायरस, इसका मतलब वायरस का कोई वैक्सीनेशन है या नहीं, ये वायरस का सब कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, और ये आपको बताऊंगा क्या ये ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन एग्जाम अभी चलता ही रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक से वायरस आ रहा है, तो क्या आपका ऑफलाइन क्लासेस होगा प्रॉपरली, या फिर स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल अथॉरिटी, कॉलेज अथॉरिटी यही सोचेंगे कि कब ऑनलाइन में फिर से ट्रांसफर करना है स्टडी को ऑफलाइन से। तो सबके बारे में डिस्कशन होगा। वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी ग्रुप्स पे शेयर होना चाहिए यह वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी एजुकेशनल अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो अपडेट है, ये अपडेट आया था हिंदुस्तान टाइम्स पे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, न्यू लैंगा वायरस हिट्स चाइना एज 35 पीपल फाइंड इन्फेक्टेड। मतलब टोटल 35 लोग अभी इन्फेक्टेड हुआ है। क्या वायरस का नाम क्या है, लैंगा वायरस। तो ये वायरस के लिए अभी टोटल चाइना में 35 पीपल ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा चलिए जान लेते हैं। द लैंगा हेनिपा वायरस, इसका नाम है लैंगा हेनिपा वायरस, इसको लैन वी भी कहते हैं, टू द सेम फैमिली ऑफ वायरसेस इंक्लूडिंग निपा, व्हिच इज नोन टू किल अप टू 3/4 ऑफ ह्यूमंस इन सेवियर केसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो निपा वायरस है, उसके ही कैटेगरी, मतलब जो उसके ही सेम फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं निपा वायरस के। तो यहाँ पे निपा वायरस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारा केसेस पहले भी निपा वायरस के बारे में हम लोगों को पता है। उस फैमिली के अंदर ही आते हैं ये जो लैंगा हेनिपा वायरस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कोई वैक्सीनेशन है या नहीं है, थोड़ा डिटेल्स चलिए हम लोग जान लेते हैं। इवन एज कोविड-19 हैज नॉट कम्प्लीटली बीन वाइप्ड आउट एंड द न्यू मंकी पॉक्स आउटब्रेक हैज राइज्ड कंसर्न, अ न्यू टाइप ऑफ एनिमल डिराइव्ड वायरस हैज बीन रिपोर्टेड इन चाइना। द हेनिपा वायरस, ऑल्सो नोन एज लैंगा हेनिपा वायरस, लेवी, इसको लेवी भी कहते हैं, लैन भी नहीं, लेवी कहते हैं इसको, हैज सो फार इन्फेक्टेड 35 पीपल इन ईस्टर्न चाइनाज हेनन। तो हेनन जो सिटी है वहाँ पे, एंड सैंडोंग जो सिटी है ये प्रोविंस के अंदर, यहाँ पे टोटल ईस्टर्न चाइना में एक्चुअली ये है, यहाँ पे टोटल 35 लोग को अभी तक इन्फेक्टेड हुए हैं। ये ऑफिशियल न्यूज़ है चाइना का, इसके अंतर्गत ये पता चलता है। अब कितना सच है, कितना न्यूज, आपको पता है चाइना का न्यूज़ आधा से ज़्यादा तो छुपा दिया जाता है उनके जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से। अभी बोला जा रहा है 35 केसेस आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है। द लैंगा वायरस वॉज फाउंड इन द थ्रोट सैंपल्स, मतलब गले पे सैंपल लेने के बाद ये जो प्रोविंस के लोग हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हेनन एंड जो सैंडोंग प्रोविंस है, वहाँ के जो ईस्टर्न चाइना है, वहाँ के जो ये प्रोविंस है दोनों, यहाँ पे जब गले का मतलब सैंपल्स लिया गया, गले पे, जैसे आपको पता है कि जैसे कोरोना के टाइम में भी किया जाता था, गले पे एक चीज घुसा के प्लास्टिक को, वहां पे उसके बाद सैंपल्स दिया जाता था, वैसे ही टेस्ट किया गया है यहां पे जो लैंगा वायरस है, वैसे ही एंड थ्रोट्स में से ये वायरस फाउंड हुआ है। अब देखिए, मेन जो यहां पे डेंजर है, जहां पे पॉइंट, यहां पे क्या पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है कि ये कैसे सिम्टम्स दे रहे हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, द वायरस हेल्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वायरस नोन टू किल अप टू 3/4 ऑफ ह्यूमन बीइंग इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, आप समझ सकते हैं। However, none of the fresh cases have so far resulted in fatality. Most are mild. तो ये fatality भी कर सकते हैं, इंसान को मौत के घाट भी उतार सकते हैं ये जो वायरस है। पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अभी जो केसेस आए हैं ये माइल्ड है, पर माइल्ड, पहले जो कोविड आया था वो भी माइल्ड ही बोला जा रहा था, पर अचानक फैल गया था आपको पता है। पर इसके बारे में अभी तक ये कन्फर्मली नहीं बोला गया है कि कितना फैल जाएगा, क्या हो जाएगा। पर यहाँ पे पेशेंट का सिम्टम क्या है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतलब जैसे कोविड के टाइम में फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतलब हेडेक, गले पे एक कफ, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत, जो बुखार है वो आ रहा था, तो ये सब सिम्टम्स भी यहाँ पे दिख रहा है। पर प्रॉब्लम मेनली कहाँ पे है पता है, प्रॉब्लम मेनली यहाँ पे यही है कि ये जो वायरस है इसका कोई भी वैक्सीनेशन नहीं, आप देख सकते हैं, एट प्रेजेंट नो वैक्सीन और ट्रीटमेंट फॉर लैंगा वायरस इज अवेलेबल एंड द ओनली सॉल्यूशन इज सपोर्टिव केयर टू मैनेज कॉम्प्लिकेशंस पर्टेनिंग टू द जूनेटिक डिजीज। मतलब क्या बोला जाए, जूनेटिक जो डिजीज है इसको अभी बोला जा रहा है कि सपोर्ट देने के लिए ये
केयर करने के लिए ये मैक्सिमम कर सकते हैं, हेल्थ केयर हम लोग दे सकते हैं। अभी इसके बारे में कोई भी हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है कि इसके बारे में हम लोग वैक्सीन तैयार कर ले, ये वैक्सीन के लिए अभी तैयार नहीं है। मतलब जैसे कोविड के टाइम में था नो वैक्सीनेशन, वैसे ही इस पर भी कोई भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं है। इस पर डेफिनेटली ये जानने के बाद डेफिनेटली इस पर काम होगा। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक्चुअली क्या है। तो यही था आज का वीडियो। एक सैड न्यूज़ ये है, ख़राब न्यूज़ ये है कि फिर से एक वायरस फैल रहा है। अब कितना फैलेगा नहीं होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा, पर हाँ एक टेंशन का सिचुएशन फिर से क्रिएट हुआ है, एक के बाद एक कोविड, उसके बाद मंकी पॉक्स, उसके बाद फिर से ये जो लेवी वायरस है, ये लेवी वायरस फिर से फैल सकता है, इसका एक चांस दिख रहा है। तो ऐसा अगर चलता गया तो नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा एडुकेशन का, फिर से ऑनलाइन ऑफलाइन, ये हम लोग का पॉइंट जो है ये रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर परमानेंटली बोला जाएगा कि अभी ऑनलाइन स्टडी जो है चलता ही रहेगा। क्या होता है तो फ्यूचर ही बताएगा, पर एक सैड न्यूज़ है मैंने आपको बताया, फ्यूचर में क्या होता है हम लोगों को देखना पड़ेगा। और जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आएगा या फिर मंकी पॉक्स के बारे में, कोविड के बारे में, आपके एडुकेशन रिलेटेड सब कुछ आपको इसी चैनल के थ्रू मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।